ख्वाजा गरीब नवाज के 808वें उर्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान से अजमेर आए जायरीनों के विशेष जत्थे के दो सदस्यों की सोमवार शाम को अचानक तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। दोनों पाक जायरीनों को तत्काल एम्बुलेंस के जरिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल में चिकित्सकों ने उनका उपचार कर वापस कैंप में भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक दोनों पाकिस्तानी जायरीन, जिसमें पंजाब पाकिस्तान निवासी वकार मोहम्मद और पंजाब पाकिस्तान निवासी प्रिंस तुफेल, डायबिटीज से पीड़ित हैं और सोमवार शाम एकाएक उनका शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। जायरीनों के अस्पताल पहुंचने की सूचना पर आपातकालीन इकाई के बाहर एहतियातन सुरक्षा के तहत पुलिस बल तैनात किया गया। फिलहाल दोनों पाकिस्तानी जायरीन की तबीयत खतरे से बाहर है और अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार चल रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी जायरीनों को पुरानी मंडी स्थित केंद्रीय बालिका स्कूल में ठहराया गया है, जहाँ इनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए और मंगलवार को जायरीन का दल सामूहिक रूप से गरीब नवाज की दरगाह में चादर पेश करेगा। इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से पाकिस्तान जायरीन जत्थे को रोजाना दोपहर 3 से शाम 9 बजे तक दरगाह में जाने की अनुमति है। दरगाह जियारत के बाद पाकिस्तान जायरीन दल का दल 7 मार्च की रात वापस दिल्ली के लिए रवाना होगा, जहां से वे पाकिस्तान लौटेंगे। आपको बता दें कि उर्स में पाकिस्तान से आने वाला जायरीन का जत्था 2 साल बाद अजमेर आया है और 28 फरवरी की देर रात ट्रेन से अजमेर पहुँचा था। इस दल में 211 पाकिस्तान जायरीन शामिल है। बस करो ना। देख रेड